फाइनली हमने सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 प्लस ऑर्डर किया था जो हमारे पास फाइनली पहुंच गया है। चलिए इस पैकेज को ओपन करके देखते हैं कि हमारा नया टैब कैसा है। अब हमें इसको खोलना है और इसको खोलने के लिए हम यूज करेंगे अपना देसी जुगाड़, हमारे हाथों की शक्ति। भाई माफ करना, मेरे पास ना जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग करने में बैठ तो गया बट मेरे पास कुछ सामान नहीं था जिससे मैं इसको अच्छे से निकाल सकूं। अब इस पर लगी है टेप, इस टेप को उतारा जाए। आई हैव दिस, इसका इस्तेमाल करेंगे। भाई देसी जुगाड़ हमने हर चीज का किया हुआ है। जोर लगा के हईशा, ये देखो भाई हर बार दिमाग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जोर से भी काम बन जाता है। और ये टेप को पीछे चिपका दो। बाकी ये बताओ यार, हमारा डेस्क मैट कितना मस्त है। याद में चिपक गई। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, एक बार फिर से खुल जा सिमसिम और दोबारा खुल जा सिमसिम। घिर गया था, बच गया। ये देख, ये रहा प्यारा सा अपना डब्बा सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 प्लस का। बबल रैप में आया है एकदम मस्त। हो बहुत पतला यार ये, निकालते हैं बबल रैप से बाहर। ये रहा हमारा गैलेक्सी टैब S9 प्लस का डब्बा। प्राइस देख रहे हो कितना है, 1,02,000। भाई मोटा खर्चा हुआ है। सामने हल्का सा गैलेक्सी टैब लिखा हुआ है, नीचे गैलेक्सी टैब S9 प्लस, साइड में सैमसंग की बैजिंग, यहाँ पे गैलेक्सी टैब S9 प्लस। बाकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें, 1,02,000 का इसका MRP है, लेकिन मुझे मिला है मात्र 70,000 का। और साथ में चार्जर भी फ्री मिला है, वो अभी तक डिलीवर हुआ नहीं, वो शायद कल तक डिलीवर हो जाएगा। बाकी मेन चीज तो यही है टैब, क्योंकि इसमें आपको चार्जर नहीं मिलता है, उसकी जरूरत नहीं। लेट्स ओपन दिस, डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन। तो हम इसको ब्रोकन कर देंगे गाइस। दूसरे यार ये अच्छी है, पता ये वाली सील बहुत सही लगती है। अरे तारीफ की, खराब हो गया। चलिए समय आ गया है इस डब्बे को चेक करने का। इस बॉक्स को उठाएंगे और ये देखिए, ये रहा हमारा मस्त मस्त नया नवेला टैब। खुशबू बहुत मस्त आ रही है, इसको निकालते हैं बाहर। ओह भाई ओ, काफी ज्यादा पतला है यार ये तो। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ओहो भाई मेरे फिंगरप्रिंट लग गए इस पे। बट ये देखो यार क्या सुंदर चीज है, ये इतना मस्त दिख रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो स्टाइलस है, ये देखो भाई स्टाइलस भी हमें साथ में मिला है। सैमसंग टैब का ये फायदा कि आपको स्टाइलस साथ में मिलता है, उसको आप यहाँ पे चिपका सकते हो। अब बारी आती है इसको पलटने की। भाई स्क्रीन तो देखो, तो ये रहा हमारा गैलेक्सी टैब S9 प्लस। ये देखो मेरे रिंग लाइट क्या मस्त चमक रही है, लेकिन बैक से देखो नॉइस भाई काफी मस्त है यार ये तो। यहाँ पे इसके पिंस हैं, कीबोर्ड ये सब लगाने के लिए, इस साइड स्पीकर और माइक्रोफोन के लिए एक जगह है, यहाँ पे ऑन ऑफ करने का है माइक्रोफोन, और सिम इजेक्शन टूल दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइप सी केबल, और फिर से अगेन दोनों साइड स्पीकर्स। चलो भाई इसको करते हैं ऑन और देखते हैं, होपफुली इसमें थोड़ी बहुत बैटरी तो होगी ही। और इसको हम ऊपर भी चिपका सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता था। हाँ ये देखो यहाँ पे हम पेंसिल को ऊपर भी चिपका सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। काम करते करते वहाँ रख देंगे, स्टाइलस मिला है ना, स्टाइलस यूज करके चलाएंगे। यस लेट्स गो स्टार्ट। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। भाई एकदम आराम से प्यार से रखेंगे। बॉक्स में हमें मिलता है ये, कुछ तो भारी है इसके अंदर। भाई मेरे को लगा इसमें वो है लव लेटर वगैरह वगैरह, बट नहीं। ओके इसमें है टाइप सी, होगी ना। हाँ इसमें टाइप सी केबल है चार्जिंग वाली। और ये देखो भे, ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ये मैंने पहली बार देखा। तो भाई आपको बॉक्स में मिलती है टाइप सी टू टाइप सी केबल, और उसके साथ यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिम इंजेक्शन टूल, और उसके साथ अंदर तो ऑब्वियसली इसके पेपर वर्क, लव लेटर वगैरह वगैरह होने वाला है। इसमें सिर्फ ये कागजात और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रही इसकी पूरी सिंपल सी अनबॉक्सिंग, ये सब था इस टैब के डब्बे के अंदर। वापिस आते हैं अपने सुंदर से टैब पे। यहाँ पे दिख रहा है सैमसंग की बैजिंग, यहाँ पे आप अपनी पेंसिल को चिपका सकते हो, और इसको लगाएंगे तो ये चार्ज भी हो जाती है। दो कैमराज यहाँ पे, नीचे स्टिकर लगा हुआ है साउंड बाई AKG। फील की बात बताऊं, भारी तो है ये लेकिन बहुत ज्यादा पतला है। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मैं इधर भूल ही गया था। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 का ये फायदा है कि इसमें हमें मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो रजिस्टर करेंगे, और ये साइड में ही है, नाइस। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 प्लस, कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने इतनी एप्लीकेशन कुछ डाउनलोड की है नहीं इसमें। बाय डिफॉल्ट आपके पास प्ले स्टोर है, सैमसंग का स्टोर है, गूगल्स की एप्स हैं वगैरह वगैरह जो चाहिए होती हैं, और नेटफ्लिक्स एक है, बाकी इतनी सी एप्स हैं बस। इसके अलावा आप जितनी ज्यादा एप्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ टैब के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज सैमसंग गैलेक्सी टैब S9। फिलहाल हम जाते हैं होम पे और इसका कैमरा चेक करते हैं। अगर तो ये इसका बैक कैमरा है, जो कि डुअल कैमराज हैं, तो इसमें हम दो में स्विच कर सकते हैं। ठीक ठाक भाई, टैब का कैमरा ऐसे भी कौन यूज करता है, वाइड एंगल कैमरा भी इसमें एक मस्त एकदम मक्खन चलता हुआ पेन के साथ। बाकी जो भी काम की एप्लीकेशन होगी हम उसको करेंगे इंस्टॉल। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी तक की सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 प्लस की रिकॉर्डिंग।